हम समझेंगे कैसे सीआरओ को ऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे सीआरओ में दो चैनल हैं, ये चैनल वन जिसे वाई चैनल बोलते हैं, ये चैनल टू जिसे एक्स चैनल बोलते हैं। दो फंक्शन जनरेटर हमने लिए हुए हैं, एक ये फंक्शन जनरेटर, एक ये दूसरा फंक्शन जनरेटर। एक फंक्शन जनरेटर से, नीचे वाले फंक्शन जनरेटर से हमने चैनल वन पे सिग्नल दिया है और ऊपर वाले फंक्शन जनरेटर से हमने चैनल टू पे सिग्नल दिया है। सीआरओ को ऑपरेट करना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि जितने भी स्विचेस हैं सारे स्विचेस को रिलीज कर दो, सारे स्विचेस को रिलीज कर दो, कोई भी स्विच प्रेस नहीं होना चाहिए। अब ये वाला स्विच भर आपका प्रेस्ड है, सिर्फ ये वाला स्विच भर प्रेस्ड होना चाहिए। इस पे क्या लिखा हुआ है, मोनो, और इसी के नीचे लिखा हुआ है डुअल। आप देखोगे किसी किसी सीआरओ में सिर्फ मोनो लिखा रहेगा, किसी किसी में सिर्फ डुअल, या फिर डुअल और मोनो दोनों लिखा है। ये स्विच जब प्रेस होगा दैट मीन्स दोनों चैनल के सिग्नल सेपरेट सेपरेट हमें दिखाई देंगे। देखिए एक चैनल वन का भी, चैनल टू का भी, हम समझ सकते हैं कौन सा चैनल वन है कौन सा चैनल टू। देखिए ये चैनल वन का सिग्नल है, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये घूम रहा है, ये चैनल वन का सिग्नल है। चैनल टू का सिग्नल हमें पता करना है तो ये ऊपर नीचे घूमेगा तो ये चैनल टू है। ये चैनल वन का वोल्ट पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन मतलब एक बॉक्स कितने वोल्ट का है ये कहलाता है वोल्ट पर डिवीजन, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं चैनल वन का वोल्ट पर डिवीजन। ये चैनल टू का वोल्ट पर डिवीजन, इससे दूसरा सिग्नल वोल्ट पर डिवीजन मतलब इसका दूसरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको कम ज़्यादा होते हुए दिखेगा। ये टाइम पर डिवीजन है, टाइम पर डिवीजन मतलब हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स की कितने सेकंड वैल्यू है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली आप इसे एक्सटेंड या कंप्रेस कर सकते हो। दैट मीन्स हम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बढ़ा रहे हैं, या एक्चुअली फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ती घटती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअली सिग्नल से फंक्शन जनरेटर से ही बढ़ती या घटती है। यहाँ से तो सिर्फ एक बॉक्स में, एक बॉक्स जो है वो कितने सेकेंड या कितने मिली सेकेंड का है वो हर वेरी होता है। तो जब एक बॉक्स एक सेकेंड का होगा तो सिग्नल कुछ और होगा, जब वही बॉक्स दो सेकेंड का हो जाएगा तो सिग्नल आपका या तो कंप्रेस होगा या एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कब कंप्रेस होगा कब एक्सटेंड होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं ये 0.2 सेकेंड का हुआ तो एक्सटेंड हो गया, और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये इधर को बढ़ रहा है टाइम, तो देखिए कंप्रेस होता जा रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम सेकंड में कम करते जाएंगे तो ये एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो, एक बॉक्स पहले कितने का था, अभी जैसे 0.2 सेकंड का है एक बॉक्स, अब ये हमने किया तो एक बॉक्स हो गया आपका 0.1 सेकंड का। तो ये ध्यान रखना कि एक बॉक्स की यहाँ सेकंड में वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से होगी, कहाँ से, फंक्शन जनरेटर से। अब देखिए आपको दोनों वेवफॉर्म अगर चाहिए हैं पैरेलल में सिग्नल इस पे सीआरओ की स्क्रीन पे, तो हमने बोला है कि सारे स्विचेस रिलीज होना चाहिए, सिर्फ डुअल वाला या मोनो वाला स्विच जो है वो प्रेस होना चाहिए। अगर आप डुअल या मोनो वाला स्विच भी रिलीज कर दोगे तो एक ही सिग्नल दिखाई देगा, वो एक कौन सा सिग्नल होगा वो डिपेंड करेगा इस स्विच पे। देखिए इस स्विच में लिखा है चैनल वन चैनल टू, तो अगर ये रिलीज रहेगा तो सिर्फ चैनल वन वाला सिग्नल दिखाई देगा, देखो ये चैनल वन वाला सिग्नल है। जब इस स्विच को प्रेस कर देंगे तो चैनल टू वाला सिग्नल दिखाई देगा, देखिए अब ये चैनल टू वाला सिग्नल है, ये चैनल टू वाला सिग्नल है, अब ये चैनल वन से काम नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मोनो या डुअल वाला स्विच रिलीज्ड है तो एक ही चैनल का सिग्नल दिखाई देगा, या तो वन का या टू का। कभी कभी क्या होता है कि हमें सिग्नल दिखाई नहीं देता है, कैसे, ऊपर चला गया। अगर ऐसा कभी हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है और सारे स्विचेज रिलीज हैं सिर्फ चैनल वन का प्रेस्ड है, तो दैट मीन्स कि ये जो चैनल टू वाला है इसको ऊपर नीचे लाइए, हो सकता है वेवफॉर्म या तो स्क्रीन से ऊपर चली गई होगी या स्क्रीन से नीचे चली गई होगी, तो इससे ला सकते हैं। अभी ये वाली लाओगे तो नहीं होगा क्योंकि डुअल वाला हमारा प्रेस नहीं है। जब हम डुअल वाला प्रेस करेंगे तो दोनों वेवफॉर्म दिखनी चाहिए, फिर भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहे होगी, ये वेवफॉर्म एक्चुअली स्क्रीन से बाहर निकल गई। तो डुअल जब भी प्रेस्ड होगा, डुअल या मोनो वाला स्विच, तो दोनों वेवफॉर्म दिखना ही चाहिए, और अगर प्रेस्ड नहीं है तो एक दिखेगी, वो एक कौन सी दिखेगी। अगर ये चैनल वन चैनल टू वाला स्विच प्रेस्ड है तो चैनल टू वाली वेवफॉर्म दिखेगी, और रिलीज है तो चैनल वन वाली। अब यहीं पे एक और चीज़ होती है, आपने लीसा जस प्लॉट का नाम सुना होगा, अभी लीसा जस प्लॉट को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिटेल में, बस ये समझ लो कि चैनल वन और चैनल टू को जब कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बनती है वो लीसा जस प्लॉट होती है, और उसको देखना है तो ये एक्स वाई स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए लीसा जस प्लॉट की, आपको इसकी हम वो भी बढ़ा सकते हैं साइज़,
साइज़ बढ़ा के आपको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ली साजेस प्लॉट हो गया। एक्स, ये एक्स डायरेक्शन इधर उधर कर सकते हैं, ये वाई डायरेक्शन से इधर उधर कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि ये तीन स्विच बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे स्विच को आप रिलीज़ करके रखा कीजिए। ये तीन स्विच हैं, एक्स वाई वाला प्रेस कर दोगे तो ली साजेस प्लॉट बनेगा, एक्स वाई वाला रिलीज़ कर दिया, मोनो वाला भी रिलीज़ है, दैट मीन सिर्फ सिंगल चैनल दिखाई देगा, और वो कौन सा होगा, अगर ये चैनल ये भी रिलीज़ है तो चैनल वन दिखाई दे रहा है, प्रेस कर दोगे तो चैनल टू। डुअल वाला प्रेस कर दोगे, ये वाला चाहे रिलीज़ हो चाहे प्रेस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों चैनल हमें दिखाई देंगे। अब आगे पीछे इनको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। देखो ये चैनल वन ऊपर नीचे होगा, ये चैनल टू का सिग्नल ऊपर, यहाँ से चैनल टू का सिग्नल ऊपर नीचे होगा, यहाँ से चैनल वन का सिग्नल ऊपर नीचे होगा। तो देखो ये चैनल टू, ये चैनल वन, ये चैनल टू का वोल्ट पर डिवीज़न मतलब एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चैनल वन का वोल्ट पर डिवीज़न मतलब एक्चुअली एम्पलीट्यूड वैरी नहीं करती है, एक बॉक्स की कितनी वैल्यू है वो वैरी करती है यहाँ से, उसका हम नया वीडियो लाएंगे कैसे पता करते हैं। और ये टाइम पर डिवीज़न कहलाता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्विच है, वो ये वाला स्विच जो जी डी स्विच लिखा हुआ है। इस जी डी स्विच का क्या काम है कि जब इसे प्रेस करोगे तो ये पूरी लाइन जो है वो एक एक्स एक्सिस में बदल जाएगी, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि इस लाइन का एक्स एक्सिस कहाँ होना चाहिए। पहले ये देख लो कि ये चैनल वन की लाइन ग्राफ है या चैनल टू का, इसको देखो तो ये चैनल वन की है। तो जब चैनल वन का जीडी वाला स्विच, ये जीडी वाला स्विच है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस में बदल गई ये लाइन। अब ये इससे हम ऊपर नीचे करके इसे सेट कर लो, मान लो हमने चैनल वन को सेट कर लिया इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे सेट हो गई। अब हम जैसे ये जी डी बटन को रिलीज करेंगे तो वो वेवफॉर्म, आधी वेवफॉर्म उस लाइन से नीचे रहेगी, आधी वेवफॉर्म उस लाइन से ऊपर रहेगी। अब सेम हमें करना है किस पे, चैनल टू के लिए। तो पहले हम चैनल टू दिखाएंगे इससे, ये वाले बटन से, चैनल वन चैनल टू वाला है इससे, हाँ पुश करेंगे तो चैनल टू और रिलीज करेंगे चैनल वन। तो अब ये चैनल टू आ गया हमारे पास। तो चैनल टू का ये जी डी बटन, ये है जी डी बटन चैनल टू का ग्राउंड। तो ये जी डी बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखो ये एक लाइन बन गई, लाइन बन गई। तो इससे ऊपर नीचे हम इसको ला सकते हैं जहाँ भी सेट करना। तो मान लीजिए हमने यहाँ सेट कर दिया इसकी एक्स एक्सिस, और जैसे ही जी डी बटन रिलीज करेंगे जी डी स्विच को, तो अब ये वेवफॉर्म आधी इसके ऊपर हो जाएगी और आधी इसके नीचे। तो देखो रिलीज कर दिया तो ये हो गई। अब हम डुअल वाला बटन दबा देंगे तो दोनों वेवफॉर्म एक साथ दिख जाएंगे हमें, डुअल और मोनो वाला। तो ये दोनों वेवफॉर्म हमें एक साथ दिखने लगी। ये ब्लिंकिंग कई बार प्रॉब्लम करती है ब्लिंकिंग की लाइट, तो ये देखिए अंधेरा करने पे अपन को क्लियरली वेवफॉर्म दिख रही है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट का। तो ये दोनों ही अपनी क्या दिखने लगी, दोनों वेवफॉर्म क्लियर दिखने लगी जैसे ही हमने डुअल स्विच को प्रेस किया। तो बस यहाँ पे तीन ही मैजिकल स्विच हैं, एक तो डुअल वाला, एक चैनल वन चैनल टू, और एक्स वाई से हो जाएगा अपना ली साजेस प्लॉट, और जी डी से वेवफॉर्म सेंटर्ड एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो गया अपना पूरा सीआरओ का।